सो फाइनली पबजी वाले आप लोग जल्दी से पार्टी करना शुरुआत कर दो दोस्तों। यहाँ पे पबजी की जो वापसी है बहुत खतरनाक तरह से एंट्री होने वाली है हमारे इंडिया में दोस्तों, जो कि टेंसेंट की वजह से, जो चाइनीज कंपनी के बाइटन जैसे पैरेंट कंपनी होता है टिकटॉक का, उस तरह एक टेंसेंट एक पैरेंट कंपनी था जो पबजी का, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर डिजिटल स्ट्राइक लगाया था। तो फाइनली गाइज यहाँ पर पबजी के बारे में आप लोग बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देख ले होंगे, लेकिन आपको जो ये वीडियो देखने वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रियलिटी वीडियो को देखने के बाद पबजी से रिलेटेड आपको कोई वीडियो बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। आप कन्फर्म हो जाइए कि इस वीडियो के बाद आप पबजी यूज कर पाओगे, किस तरह कैसे यूज करना है और कब आएगा फाइनली सारा रिपोर्ट रियलिटी के साथ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पे गाइज आप लोग बहुत सारे वीडियो ऐसे देखेंगे कि जो दिवाली पे बोल रहा था आएगा, आज आएगा, कल आएगा, लेकिन यहां पे कन्फर्म डेट कोई बता नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि पबजी मोबाइल जब से बैन हुआ दोस्तों काफी सुर्खियों में आ चुका है। यहां पे पबजी का आना दोस्तों अगर लग रहा है कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन मुश्किल उतना नहीं है जितना आपको टिकटॉक पे मुश्किल लग रहा है। टिकटॉक आना बिल्कुल तय नहीं लग रहा है, लेकिन यहां पे पबजी का आना काफी तय लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पबजी वालों कंपनी ने यहां पर अपनी बिजनेस को इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, सारा चीज इंडिया का बना दिया, पबजी इंडिया कंपनी बन गया दोस्तों। और ये अपनी मार्केटिंग के चलाने के लिए, पबजी काफी अच्छा फेमस मार्केटिंग चलाने के लिए अभी वो सारा चीज इंडिया में ही फिक्स कर दिया, अपनी ऑफिस हो या ब्रांच हो या अपने कोई भी एम्प्लॉय हो इसके पबजी के, सारा चीज पबजी इंडिया रिलेटेड कंपनी, पबजी कंपनी जो है इंडिया में कन्वर्ट कर दिया और ये इंडियन कंपनी बन चुकी है फिलहाल के लिए। और ये अपना बिजनेस चलाने के लिए फिलहाल चाइना से रिश्ता को तोड़ लिया पबजी वाले ने, ठीक है। देखो जो टेंसेंट के अंदर काम कर रहा था, टेंसेंट जो इसकी पैरेंट कंपनी थी, तो इस बीच दोस्तों लेटेस्ट न्यूज सुनने को यही मिल रहा है कि पबजी आपको कुछ ही घंटों कुछ ही देर के बाद आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पबजी तब तक नहीं मिलेगा जब तक सरकार की नज़र से वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाए, क्योंकि इस वक्त दोस्तों आप जान रहे हाल ही में 43 ऐप को सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से बैन कर दिया और कुछ दिन पहले टिकटॉक को बैन कर दिया। तो ऐसे में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फेक वीडियो देखने को मिलता होगा कि आज आएगा, कल आएगा, शाम आएगा, सुबह आएगा, तो आप लोग इन सब फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। अभी आप पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपके अंदर, आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा आपको। 100% हम जान सकते हैं कि 100% हम श्योर हैं कि पबजी आएगा वापस, लेटेस्ट 100% जो है प्ले स्टोर में 2-3 दिन के अंदर आएगा, लेकिन अभी उसका काफ़ी वेरिफिकेशन बाकी है भाई, क्योंकि जो बैन होने में उतना टाइम लगा था तो कहीं ना कहीं रिटर्न आने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। यहां पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा चीज प्रोसेसिंग में है अभी, और ये गूगल वाले को ये पबजी वाले जो है अपना वहां के जो इसके प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे एम्प्लॉय के पास इसे सबमिट कर दिया है सारा चीज डिटेल्स पेपर, और अभी एक सिग्नल मिलने वाला है सिर्फ सरकार की तरफ से, यानी कि हमारे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिखा देती इस पबजी वाले को, प्ले स्टोर गूगल वाले को नहीं दे देता, अपने कन्फर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर देते हमारी सरकार, तब तक ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आना मुश्किल है। अगर आएगा तो सबसे पहले आपको ट्विटर पे ट्रेंड करता हुआ ये हैशटैग देखने को मिल जाएगा, 100% आप तब श्योर हो जाएगा जब आएगा तो आपको ट्विटर पे ये ट्रेंड करता हुआ 100% दिखाएगा कम बैक पबजी ऑन इंडिया, तो इस तरह का आपको ट्रेंडिंग हैशटैग आपको देखने को मिलेगा ट्विटर पे, तब आप कन्फर्म हो जाएगा फाइनली ये आ चुका है प्ले स्टोर पे। अभी जितना भी फेक वीडियो देखेगा आप फाइनली आप बर्बाद हो रहे हैं, अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तब तक आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, यूट्यूब पे काम कीजिए या नहीं तो अच्छे से प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम कीजिए, रील्स पे काम कीजिए। हम जानते हैं आप गेम से रिलेटेड आप फ्री फायर खेल सकते हैं, तब तक अपना टाइम बस कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन इतना दिन अगर रुक गए तो दिवाली के होते होते अभी आ गए, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल बढ़ सकता है क्योंकि सरकार ने हाल ही में स्नैक्स ऐप समेत 43 चैनल को बैन किया, तो आपको थोड़ी सी वक्त चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और मोटिवेशन धैर्य के साथ काम कीजिए भाई, और ये बहुत जल्दी सरकार की तरफ से सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलने की जरूरत है, बस उसके बाद आपको फाइनली प्ले स्टोर में देखने को, जब से पहले एंड्रॉइड वर्जन में ही आएगा उसके बाद उस वर्जन आए उसमें वर्जन में आएगा। तो आप लोग जो है भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फिलहाल फालतू का वीडियो देख, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, या भी आप जितने फेक वीडियो देख रहे हो उस वीडियो पर नोटिस ध्यान मत दीजिए, आप जब तक ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड नहीं करता है तब तक ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोला हूँ ये बिल्कुल रियल है दोस्तों। 2-3 दिन के बाद ये फाइनली आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगा और प्ले स्टोर में रियलिटी के साथ आप देख पाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना प्यार बरसाइए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, भगवान का दिन शुभ रख दो, थैंक्स फॉर वीडियो।